हेलो दोस्तों, एंड्रॉयड टेक्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आपके अंदर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ड्रैगन बॉल जेड गेम को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और उसे कैसे प्ले कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ड्रैगन बॉल जेड गेम को प्ले कर सकते हो। दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये ड्रैगन बॉल जेड गेम प्ले है, जो मैं ये खेल रहा हूँ ये ड्रैगन बॉल जेड गेम प्ले है। दोस्तों, आप इसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और उसे प्ले कर सकते हो। दोस्तों, वैसे तो ये PSP की गेम है, पर आप इसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में खेल सकते हो बहुत ही इजीली से। आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्रैगन बॉल गेम डाउनलोड करने के लिए आपको एक वेबसाइट में जाना होगा। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए और इस वेबसाइट पे आप डायरेक्ट जा सकते हो। दोस्तों, आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं UC ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा ब्राउज़र है। दोस्तों, ये वेबसाइट है आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट का नाम है एम्परडाइस। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। दोस्तों, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हो, आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहां पे आपको डायरेक्ट डाउनलोड का बटन मिल जाता है, आप यहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस गेम का साइज है 177 MB, 177 MB, आपने इस गेम को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, मैंने ये गेम ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। आपने इस पर क्लिक करना है, देखिए यहाँ पर डाउनलोड आ चुका है, अब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, जैसे ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाती है, आपने बैक चले जाना है। उसके बाद आपको गूगल प्ले स्टोर से दो ऐप इंस्टॉल करना होगा। पहला ऐप तो है जेड अचीवर, दोस्तों ये रार फाइल को एक्सट्रैक्ट करता है। दूसरा है PPSSP गोल्ड एमुलेटर, दोस्तों ये PSP का एमुलेटर है। आपको इसका इन दोनों ऐप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, आप वहां से इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, आपने गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करना है जेड अचीवर। दोस्तों, आपको ये ऐप सबसे पहले मिल जाती है जेड अचीवर, आप देख सकते हैं इसे 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। दोस्तों, ये आपकी फाइल को एक्सट्रैक्ट करती है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर नहीं जाना चाहते, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए, इस ऐप को डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक और ऐप इंस्टॉल करना होगा, PPSSP एमुलेटर। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये प्ले स्टेशन का एमुलेटर है, मैंने इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहां से डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने जेड अचीवर ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों, उसके बाद आपने वो फोल्डर सर्च करना है जहाँ पर आपने गेम डाउनलोड की थी, आपने उस पर सर्च करना है। देखिए दोस्तों, मैंने UC ब्राउजर पर गेम डाउनलोड की थी, तो मैं वहाँ पे इस गेम को सर्च करता हूँ। आप देख सकते हैं ड्रैगन बॉल जेड ये गेम है, आपने इसे ओके कर लेना है और इसे व्यू कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप इसे व्यू करते हो, उसके बाद आपने इस फोल्डर को कॉपी कर लेना है और अपने SD कार्ड में आप इसे कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ किसी फोल्डर पर, आपने कहीं पर भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपने, देखिए एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो चुका है। दोस्तों, जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाती है, उसके बाद आपको एक और फाइल एक्सट्रैक्ट करनी होगी, आपको इसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल एक्सट्रैक्ट करनी होगी। मैं आपको बता देता हूँ, पहले इसे एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। देखिए यहाँ पे 94 हो चुका है, अब आपने वेट करना है। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रैगन बॉल जेड का फोल्डर बन चुका है। आपने इस फोल्डर को ओपन करना है, उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और फाइल रार फाइल मिल जाती है, आपने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, आपने इस पर क्लिक करना है और इस फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर लिखा है, आपने यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। दोस्तों, मैंने ये ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर रखा था, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक फोल्डर पहले से बनाया था, मैं उसे आपको बता देता हूँ। आपको देखिए दोस्तों, ये फोल्डर था, यहाँ पे आपको ऐसी फाइल मिल जाती है ISO, जब आप उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर दोगे, उसके बाद आपको ये फाइल मिल जाती है। दोस्तों, उसके बाद आपको बैक चले जाना है, उसके बाद आपको PPSSP एमुलेटर को ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आपने इसे ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस एमुलेटर को ओपन करते हैं, आपको इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपने अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पे आपने अपनी गेम एक्सट्रैक्ट की थी वो आपने वो फोल्डर यहाँ पे ढूंढना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये फोल्डर बनाया था ड्रैगन बॉल जेड, आपने इस पर क्लिक करना है।
दोस्तों वहाँ उसके अंदर आपको ISO फाइल मिल जाती है। देखिए दोस्तों ये वाली फाइल, आपने इस फाइल को ओके कर लेना है। देखिए दोस्तों ये गेम स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल था, इस तरह से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में PPSP की गेम खेल सकते हो, प्ले स्टेशन की ड्रैगन बॉल जेड। बहुत ही ईजी था, यहाँ से आप इसे खेल सकते हो। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ खेल के। ये बहुत अच्छी गेम है दोस्तों, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपने अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेना है, प्रेस स्टार्ट। उसके बाद आप न्यू गेम पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये गेम चल चुकी है, आप देख सकते हो रेडी। अब यहाँ से आप अपनी गेम को इंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो आप ड्रैगन बॉल जेड गेम चल रही है, कितना अच्छा वर्क कर रही है दोस्तों। बहुत अच्छी गेम है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ड्रैगन बॉल जेड गेम को डाउनलोड कर सकते हो और इसे इस गेम का मज़ा ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए एंड्रॉयड टेक ट्रिक के साथ।